एक ऐसी भी जनजाति है जहां पर लड़की जैसे ही 15 साल की होती है उसका पिता उसके लिए घर के बाहर एक अलग घर बनाता है ताकि लड़की अपने पसंद के लड़के के साथ उसमें रह सके। इसी तरह अमेज़न की एक और जनजाति है जिनके रीति रिवाज आपके होश उड़ा देंगे। यहाँ पर यानोमामी जनजाति रहती है और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब कभी भी इनके परिवार में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे जलाने के बाद उसकी राख का सूप बनाया जाता है जिसमें मरे हुए व्यक्तियों की हड्डियां होती हैं। फिर इस सूप को परिवार के सारे लोग पीते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा उनके अंदर समा जाती है और वो हमेशा उनके साथ रहती है। लेकिन दोस्तों ये अगली प्रथा आपके और भी ज्यादा होश उड़ाने वाली है। डेनमार्क में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके अपने ही अलग रीति रिवाज है। यहाँ पर जब कभी भी कोई 25 साल का हो जाता है और उसकी शादी नहीं होती तो उसके दोस्त उसे कुर्सी से बांध देते हैं या फिर किसी लैंप पोस्ट में बांध कर उसके ऊपर ढेर सारा दालचीनी का पाउडर डालने लगते हैं और ये ऐसा तब तक करते हैं जब तक अगला पूरी तरह से दालचीनी के पाउडर में नहा नहीं लेता। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनकी शादी जल्दी हो जाए और इन्हें भी अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए। और अब आपको इंडोनेशिया की एक ऐसी जनजाति से मिलवाते हैं जो मरे हुए लोगों के साथ रहती है। इंडोनेशिया में रहने वाली इस जनजाति को टोर्जा नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में जब कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे सबसे पहले एक टेम्पररी कॉफिन में रखा जाता है। ये ऐसा कॉफिन होता है जिसे जब चाहे तब खोला जा सके। इसके बाद परिवार के लोग कई सालों तक इस कॉफिन में रखे हुए मृत व्यक्ति को निकाल कर उसे साफ करते हैं, उसे नए कपड़े पहनाते हैं और कई बार शादी वगैरह जैसे फंक्शन में भी इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इस अजीब से रीति रिवाज को यहाँ के लोग मैनेन कहते हैं। इनका मानना है कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है और मरे हुए लोग कहीं नहीं जाते। ऐसा करने से उन्हें हमेशा एहसास होता है कि मृत व्यक्ति हमेशा उनके साथ है। तो चलिए अब आपको दुनिया के सबसे अजीबोगरीब रीति रिवाज के बारे में बताते हैं। कंबोडिया में क्रियोंग नाम की जनजाति रहती है और इस जनजाति में रहने वाली लड़की जैसे ही 15 साल की उम्र हासिल करती है तो सबसे पहले उसका पिता अपने घर के बाहर उस लड़की के लिए एक लकड़ी का एक छोटा सा घर बनाता है। इस घर को लव हट कहा जाता है। और अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लड़की अपनी पसंद के लड़के के साथ इस लकड़ी के घर में रह सके और अगर उसे कोई पसंद आता है तो वो आगे जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर सके। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद अगर लड़की को ये लगता है कि लड़का उसके लायक नहीं है तो फिर वो दूसरे लड़के को बुलाकर इस घर में उसके साथ रह सकती है। इस अजीब से रीति रिवाज को सुनकर आपके भी कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन ये रीति रिवाज यहाँ के लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं और आज भी ये प्रथा चालू है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।